दिन आता है 9 जनवरी 1996, जिसको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा स्याह दिन समझा जाता है। वो दिन जिसने बहुत सारे मस्कीनों, गरीबों, यतीमों का सहारा छीन लिया। वाकया कुछ इस तरह शुरू होता है कि सुल्तान राही अपने सेक्रेटरी हाजी एहसन के साथ वो रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाते हैं। तो जब वो गुजरांवाला पहुंचते हैं तो गुजरांवाला के एक मुकाम पे आके उनकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाता है। खैर, हाजी एहसन कहते हैं कि मैं देख लेता हूं। जब वो नीचे उतरते हैं और उसके साथ सुल्तान राही भी नीचे उतरते हैं, वो जब गाड़ी के नीचे जाते हैं, टायर बदलने लगते हैं कि हिफाजत के लिए सुल्तान राही बिल्कुल उनके सामने खड़े हो गए ताकि उनके ऊपर से कोई गाड़ी ना गुजर जाए। उसके बाद जब सुल्तान राही गाड़ी के पीछे जाते हैं तो हाजी एहसन को एक धमाके की आवाज आती है, जैसे कि उन्हें लगा कि शायद दूसरा टायर भी फट गया। जब उसको भाग के देखने के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। एक भयानक सी आवाज आई है, तो बस वो मुझे, मैंने समझा कोई ट्रक का टायर पंचर हुआ है। तो जब वो गिरे हैं तो मैंने मैंने देखा ये क्या हुआ।